हाय गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको सिखाऊंगा बैक स्टैंड्स, जिसे बोलते हैं कुकुदाची। आप बैक स्टैंड्स कैसे करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। चलो सीखते हैं बैक स्टैंड्स कैसे किया जाता है। बैक स्टैंड्स करने के लिए आपको पहले कीबा स्टैंड्स आना चाहिए। बैक स्टैंड्स कैसे किया जाता है और हर स्टेप का आप फॉलो करोगे तो आप बैक स्टैंड्स आसानी से ऐसे कर पाओगे। तो बैक स्टैंड्स करने से पहले आपको कीबा स्टैंड्स आना चाहिए। कीबा स्टैंड्स कैसे बोलते हैं, बस देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। कीबा स्टैंड्स बस एक फीट ऐसे ही फीट ओपन करना है। कीबा स्टैंड्स आपका जो फीट है वो स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों साइड स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट और लुक स्ट्रेट, बस दोनों लेग में 50-50 बॉडी वेट रहना चाहिए। इसे बोलते हैं कीबा स्टैंड्स, इसे बोलते हैं हॉर्स स्टैंड्स। हॉर्स स्टैंड्स कहते हैं, कीबा स्टैंड्स कहते हैं। आपका जो मैं मार्क कर लेता हूँ, आपका आउटसाइड फीट का आउटसाइड स्ट्रेट होना चाहिए, बस इसे बोलते हैं कीबा स्टैंड्स। आप जो बैक स्टैंड्स कीबा स्टैंड्स को बैक स्टैंड्स करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, देखो बस आपको हिप मूवमेंट ऐसा रहेगा, जैसे ट्राई एंगल जैसे ट्राई एंगल रहता है एल की तरह, बस ऐसे ही आपका जो थाई है, जो बैक लेग है, थाई है और कैप मसल से और फीट है, तो दोनों एक ही लाइन में रहना चाहिए। वो सब एक ही लाइन में रहना चाहिए, ऐसे नहीं तो एक ही लाइन में रहना चाहिए। बस हिप मूवमेंट्स इन, बॉडी स्ट्रेट, आपका लुक इस तरह होना चाहिए, जहाँ पे फ्रंट लेग है उस तरफ रहना चाहिए। आपको बैक स्टैंड्स कैसे करना है, देखो आप ये स्टैंड समझ गए, कीबा स्टैंड्स आपको बैक स्टैंड्स कैसे करना है आप ये बात समझ गए। तो आपको हैंड मूवमेंट कैसे करना है, देखो आपको जो लेग आगे वही हैंड में ब्लॉक होगा, जो लेग पीछे वही हैंड पुल बैक आएगा, ऐसे स्ट्रेट पुल बैक आएगा। आप करोगे कैसे, देखो क्या करना है ना, बस ऐसे स्टैंड्स ले जाना है, जो लेग पीछे वही आपको ऐसे स्ट्रेट लाना है, जो लेग आगे वही हैंड को ऐसे लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है ऐसे, फिर आपको यहीं पे ब्लॉक करना है, जैसे उछू के ब्लॉक करते हो ऐसे बस टर्न करना है। बस आपका पुल बैक हैंड ऐसे स्ट्रेट रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे एल्बो बेंड नहीं रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगा। जैसे पुल बैक में स्ट्राइक हो रहा है पीछे को, बस बम पीछे को स्ट्राइक हो रहा है, ऐसे आपको ब्लॉक हैंड में आपको एल्बो के अंदर 1 फीट गैप रहना चाहिए। और जो नाइफ हैंड ब्लॉक है, आपका पाम वो स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर के सीधा और स्ट्रेट होना चाहिए। देखो और एक बार, 1 2 1 2 आपको ऐसे दोनों काउंट में करना है, दोनों तरफ ऐसे ही करना है, 1 2 1 2 ऐसे लुक स्ट्रेट रहेगा 1 2 स्ट्रेट, आपको दोनों ऊपर स्ट्रेट रहेगा ऐसे, बस 1 2 ऐसे ब्लॉक होगा, आपका लुक स्ट्रेट रहेगा पूरा सीधा। आपको इसे स्टैंड में कैसे करना है थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। आपको इसे स्टैंड में कैसे करना है, पहले आपको योय करना है। आपको लेफ्ट लेग फॉरवर्ड जाना है तो लेफ्ट हैंड लिफ्ट होगा, जो लेग आगे रहेगा वही हैंड में ब्लॉक होगा। ये बात समझ लो, जो लेग आगे रहेगा वही हैंड में ब्लॉक होगा। योय पोजिशन आपको यहीं पे लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेना है तो लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास लाना है ऐसे, 1 2 बस आपको यहीं पे स्टेप डालना है आगे की तरफ, 3 4 बस ऐसे करना है सेम, 1 2 3 सेम बैक जाना है, 1 2 स्ट्रेट आपको स्ट्रेट करना है ऐसे सेम, 1 2 बस आपका लुक स्ट्रेट रहेगा, एक ही लाइन में एल एक ही लाइन में टर्न होना चाहिए। ऐसे ही आपको ब्लॉक करना है, मूव फॉरवर्ड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, 1 2 सेम, 1 2 बैक सेम, 1 2 सेम, 1 2 फिर आपको ऐसे समझ लो और अच्छे से हो जाए तो आपको क्या करना है ना, 1 काउंट में करना है ऐसे, आपको ऐसे 1 काउंट में करना है,
बस आप जो हर स्टेप को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो और आपका बैक स्टैंड कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।